तेलंगाना स्टेट में असेंबली इलेक्शन के पेश नजर भक्तों व भक्तों की पार्टी बीजेपी वाले हो रहे हैं बहुत ही ज्यादा गर्म तेवीस अप्रैल इतवार यानी आज के दिन चेवडला एमपी कॉन्स्टिटुएंसी में है एक विजय संकल्प सभा यानी पब्लिक मीटिंग जिसमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान के सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी शरीक होने वाले हैं और इस पब्लिक मीटिंग में इनका खसूसी बयान भी होगा और इस सभा का शाम सात बजे से आगाज होने वाला है तकरीबन पाँच बजे अमित शाह जी शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं और वहां से बाई रोड वो चेवडला टाउन के बाहर मौजूदा ग्राउंड में होने वाली इस पब्लिक मीटिंग में शरीक होंगे सभा खत्म होने के बाद अमित शाह रात को ही डेली के लिए रिटर्न हो जाएंगे और इस सभा को कामयाब करने के लिए भक्तों की पार्टी बीजेपी लीडर्स की निगरानी में बारह कमेटी को कायम किया जा चुका है और इस पब्लिक मीटिंग में एक लाख से ज्यादा लोगों को लाने का भी दावा किया जा रहा है क्योंकि में पोलिंग बूथ पाए जाते हैं इसी वजह से से भी बीजेपी के लीडर्स अभी से ही ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं और फिर लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में लाने के लिए दौड़ धूप भी शुरू कर दी गई है और इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट से वाबस्ता बीजेपी के प्रेसिडेंट बंडी संजय कुमार ने तमाम सीनियर और फिर डिस्ट्रिक्ट लीडर्स को यह इतला दी है कि इस पब्लिक मीटिंग में ज्यादा ज़्यादा तादाद में लोगों को खींच कर लाए खैर वैसे तो वक्त ही बताएगा कि किस में है कितना दम फिर भी आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना इसके अलावा इस पब्लिक मीटिंग की वजह से चेवेडला विखराबाद जाने वाली और फिर तांडूर से हैदराबाद आने वाली ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया है और फिर अमित शाह की ट्रिबल आर मूवी के सॉन्ग पर ऑस्कर अवार्ड लेने वाली टीम से होने वाली मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया गया